चटपट प्लेटर में आपका स्वागत है। आज गणेश चतुर्थी है और आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी पे हम गणेश जी के ही फेवरेट मोदक बनाने जा रहे हैं। मोदक खाने में जितने स्वाद हैं, बनाने में उतने ही आसान, और हमने सिर्फ घर की तीन चीजों को ही मिलाकर इतने टेस्टी और झटपट बनने वाले मोदक तैयार किए हैं। चलिए बनाते हैं मोदक। एक मोटे तले वाली कढ़ाई में हमने 2 बड़े चम्मच देसी घी के ले लिए। आप चाहें तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी के साथ ही हमने इसमें 2 चम्मच बेसन के डाल लिए। बेसन को तब तक भूनना है जब तक कि उसका रंग ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही बेसन भून जाए उसमें हमने 250 ग्राम खोया डाल दिया। आप चाहें तो खोया ज्यादा या कम कर सकते हैं। खोए को हमने मेल्ट होने तक भूनना है और ये सब काम हमें लो फ्लेम गैस पर ही करना है। खोए को मिक्स करते हुए हमने इसमें धीरे धीरे करके सूखा नारियल मिला दिया। सूखा नारियल आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगा। तीनों चीजें अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हमें इसमें नॉर्मल दूध ऐड करना है ताकि हमारा मिश्रण अच्छे से आपस में चिपक सके या अच्छे से बंध सके। जैसे ही दूध पूरी तरह से सूख जाए तो अब हमें गैस को बंद कर देना है और इसमें 250 ग्राम ही पीसी हुई शक्कर ऐड करनी है। आप चाहें तो गुड़ भी मिला सकते हैं, पर मैंने इसमें पीसी हुई चीनी ली है। अब चीनी को भी अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसे थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रखना है ताकि हम इसके मोदक आसानी से बना सके। अब हमारा मिक्सचर पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पे है तो हम इसे मोदक तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने मोदक का मोल्ड लिया है। आप चाहें तो छोटा या बड़ा मोल्ड भी ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। मोदक के मोल्ड को मैंने देसी घी से अल लिया। आप चाहें तो कोई रिफाइंड या ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इससे मोदक में चमक भी आएगी और अच्छे से बाइंड भी होंगे। अब हमें मिक्सचर को अच्छे से हाथ से दबाते हुए मोदक के मोल्ड में डालना है। इसमें मैंने एक एक किशमिश रखी है। आप चाहें तो कटे हुए ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। इसको हाथ से अच्छे से प्रेस करिए। और ये देखिए हमारा मोदक कितना अच्छे से तैयार हुआ है। इसी तरह से हम और मोदक भी तैयार कर लेते हैं। तो है ना बनाने में कितने आसान। तो इस बार आप भी पापा को अपने हाथ से बने हुए मोदक का भोग लगाइए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। अगर आपको मेरा चैनल थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। गणपति पापा मोरया।